Dear students, again welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number seven, and that is about introduction to total station. Now in all other surveying, हमने सबसे पहले यूनिट में chain survey देखा length गिनने के लिए, then हमने देखा कि compass से हम लोग bearing गिन सकते हैं angle of the survey line with respect to north direction. उसके बाद में हमने फिर level या height गिनने के लिए हमने डंपी लेवल का इस्तेमाल देखा अब ये सारे चीज़ें करने के लिए यदि हमको एक्यूरेसी चाहिए तो हमने देखा कि हम लोग थ्यूडलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं सो थ्योडलाइट इज़ वन ऑफ द मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट वेयर यू कैन मेजर द लेंथ ऑल्सो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टेकोमेट्री एंड देन वी कैन ऑल्सो मेजर द होरिजेंटल एंगल वर्टिकल एंगल एंड ऑल दीज थिंग्स अब ये जो थ्यूडलाइट हमने देखा था वो हमने देखा था वर्नियर थ्योडलाइट वर्नियर थ्यूड लाइट से हम लोग उससे एंगल ओरिजेंटल एंगल वर्टिकल एंगल और बियरिंग वो भी गिन सकते हैं हम लोग और हम लोग लेंथ भी गिन सकते हैं इफ यू आर यूजिंग द थ्योडलाइट एज ए टैकोमीटर तो ये सारे काम एक ही थ्यूलाइट कर सकता है बट वर्नियर थ्योडलाइट इट वॉज वन ऑफ द मेकेनिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर अभी एडवांसमेंट आके अभी इसका एडवांस वर्जन जो आ गया है दैट इज कॉल्ड एज टोटल स्टेशन इसका नाम ही है टोटल स्टेशन यानी जो सर्वे की मेन थ्री एंटिटीज है हमारी लेंथ बेयरिंग और एंगल एंड हाइट और एलिवेशन ऑल दीज थिंग्स दैट कैन बी ऑब्जर्व और द डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग द वन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज टोटल स्टेशन सो देअर फॉर वी आर नाउ जस्ट टेकिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग द टोटल स्टेशन इन द प्लेन टेबल सर्वे दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे But, nowadays the total station is also popularly being used in the field. So, here you can see that it is the same as like a, a one of the arrangement like our theodolite. So, we will go for one by one and there we will understand. So, here the total station is the combination of electronic distance measurement instrument and the electronic theodolite. उसमें कन्वर्शन हो गया इलेक्ट्रॉनिक थ्यूरलाइट में और इलेक्ट्रॉनिक थ्यूड लाइट का कन्वर्शन हो गया अभी टोटल स्टेशन में सो हियर इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट बेस्ड ऑन दैट इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द माइक्रो प्रोसेसर जैसा हमारे मोबाइल के स्मार्टफोन में या फिर कंप्यूटर में होता है वैसा माइक्रो प्रोसेसर होता है सो विच कैन प्रोसेस द नंबर ऑफ अर्थमैटिक और वॉट एवर द रिक्वायर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑल्सो सो दैट इज द advancement in the theodolite and the microprocessor is inbuilt there and electronic data collector that is the thing like in our computer or in our smartphone we can save the data with the help of memory chip so same type of arrangement is available in the total station so that whatever the operation we are doing the data can be automatically saved to that data collection memory chip then and storage system so as like our computer we are having the file system by with the operating system we can use the various files folders and drives of the our computer or the smartphone similarly a file system is also there in the total station so where <coughs> you can create a project for a particular survey inside that you can have uh, either plane survey or geodetic survey and then accordingly you can save the data for the particular field operation so here this type of system is integrated and therefore the instrument can be used to measure the horizontal and vertical angle as well as sloping distance of the object to the instrument यानी इससे हमलोग angle तो angle में अंदर horizontal angle आ गया vertical angle आ गया bearing भी आ गया विद रिस्पेक्ट टू north direction and then height or elevation भी आ गया और हमको यदि उसका और कोई object को ऑफसेट करके हम लोग जैसा इंडिकेट करते वैसा उसको हम लोग लो मार्क भी कर सकते हैं सो वी कैन आइडेंटिफाई लोकेट द डिफरेंट पॉइंट्स मेजर द डिस्टेंसेज मेजर द एंगल्स एंड मेजर द एलिवेशन और हाइट एंड देयर फॉर ऑल दिस वर्क ऑफ द सर्विंग वॉट एवर वी आर लर्न इन द ऑल सिक्स यूनिट्स दैट ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन दिस इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फॉर इट इज कॉल्ड एज टोटल स्टेशन सो इट इज एज लाइक एज आवर थ्यूडलाइट तो इसको भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और पीछे में उसके आ, हमारे को देखने के लिए आई पीस होता है देन एडिशनली इसकी जो सी मूवमेंट होती है टेलीस्कोप की वैसा ये भी मूवमेंट इसकी नीचे ऊपर हो रही है ऑल्सो इट इज अगेन रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इसको भी यहाँ पे हमको फोकसिंग थ्रू है यहाँ पर भी लेवल लेवल कर, <coughs> करने के लिए सेंट्रल बबल ट्यूब है देन उसको यहाँ पर भी नीचे तीन फुट स्क्रू लगे हैं ओनली पार्ट इज इंस्टेड ऑफ द वर्नियर स्केल जैसा हमने थ्रोडोलाइट में देखा यहाँ पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम लगी यहां पर है सो यू कैन नेविगेट एट लाइक अवर मोबाइल बटन एंड दैट वे वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ मल्टीवर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट एज टोटल स्टेशन हियर द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट प्रोसेस द डाटा कलेक्टेड टू द कंप्यूटर कलेक्टेड टू कंप्यूटर अब यहां पर हम लोग जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहे हैं तो वो सेव हो रहे हैं और उसको जो भी कैलकुलेशन उसके अंदर भी जो लगेंगे वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे व्हाट एवर द फंक्शन यू विल सेट इन द टोटल स्टेशन एंड दैट माइक्रो प्रोसेसर यूनिट विल प्रोसेस द डिफरेंट अर्थमेटिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सो एवरेज ऑफ द मल्टीपल एंगल कैन बी मेजर यानी हमने जैसा ओरिजेंटल मेथड ऑफ रिपीटेशन से हमने ओरिजेंटल एंगल मेजरमेंट बाई रिपीटेशन मेथड से एक एंगल को हम लोग बारा बार गिन रहे हैं थ्यूडलाइट से तो इसी प्रकार से यहां पर भी वहां पर हमको बारह बार एंगल हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है फिल्म बुक के अंदर और फिर उसका कैलकुलेशन कर सकते तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन अपने आप से हो जाएंगे ओनली यू हैव टू टेक द ऑब्जर्वेशन सो एवरेज ऑफ द मल्टीपल एंगल कैन बी मेजर देन एवरेज ऑफ द मल्टीपल डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एक डिस्टेंस को आप कन्फर्म करने के लिए छः सात बार गिन सकते हैं नाउ हियर वॉट इज द अरेंजमेंट इन दिस टोटल स्टेशन सो टोटल स्टेशन में एक तो हमारा एक रिफ्लेक्टर होता है वो रिफ्लेक्टर को जो स्टेशन पे हमको रखना है वहाँ पे हम लोग रख सकते और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से लेके तो जो रिफ्लेक्टर स्टेशन है वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है तो हम लोग यहाँ से जब बटन दबाएंगे तो एक लेजर लाइट वहाँ जाता है और रिफ्लेक्ट हो वापस आता है सो द टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट लेजर लाइट अप टू द रिफ्लेक्टर एंड रिटर्न बैक अकॉर्डिंगली दैट टाइम इज़ रिकॉर्डेड एंड द स्पीड ऑफ द लेज़र लाइट इज़ नोन

फिर भी यहां से हम लोग टोटल स्टेशन से उसको फोकस करके दो दैट ऑब्जर्वेशन इज ए स्लोपिंग डिस्टेंस लेकिन उसके अंदर टोटल स्टेशन में ऑटोमेटिक एंगल कैलकुलेशन होकर हमको होरिजेंटल डिस्टेंस ही दिया मिलता है सो देयर फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज मेजर द होरिजेंटल डिस्टेंस एंड व्हाट एवर द ऑब्जर्वेशन वी आर टेकिंग यदि स्लोपिंग एंगल ले रहे हैं तो एंगल का कैलकुलेशन होकर आपको होरिजेंटल डिस्टेंस ही मिलता है सो दैट इज द एडेड एडवांटेज ऑफ द टोटल स्टेशन देन डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट जैसा कि अभी मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और रिफ्लेक्टर का स्टाफ स्टेशन इसके अंदर जो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे इसके अलावा यदि एक स्टेशन उधर है, एक स्टेशन उधर है दो अलग अलग पॉइंट है और उनमें का दोनों का डिस्टेंस मुझे पता करना है लेकिन मैं टोटल स्टेशन यहां रख रहा हूं सो व्हाट आई हैव टू डू इन द ट्रिग्नोमेट्रिकली तो मुझे यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यदि पता है और ये एंगल पता है तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फार्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा के सामने का डिस्टेंस ए भी निकाल सकता हूँ बट सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको मैन्युअली करने के बजाय टोटल स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं सो व्हाट आई हैव टू डू तो मुझे स्टेशन ए पे रिफ्लेक्टर रखना पड़ेगा और यहाँ से मैं स्टेशन ए को लोकेट कर लूंगा देन आई विल शिफ्ट द पॉइंट रिफ्लेक्टर टू द स्टेशन बी स्टेशन बी पे भी मैं पॉइंट को लोकेट कर लूंगा और फिर उसमें का जो डिस्टेंस है दोनों का वो डिस्टेंस मैं पता कर सकता हूँ सो आई हैव टू ऑपरेट सम ऑफ द बटंस ऑन द कंट्रोल पैनल ऑफ़ द टोटल स्टेशन और वो डिस्टेंस ए बी सो डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट दैट आई आई कैन ऑल्सो मेजर सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द टोटल स्टेशन सिमिलरली द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई तो हाइट सो वेन यू कॉन्फिगर द टोटल स्टेशन एट पर्टिकुलर हाइट देन ऑटोमेटिकली एज कंपेयर टू दैट टोटल स्टेशन

जैसा कि चेन सर्वे में हम लोग एक चेन लाइन डालेंगे उसके बाजू में पेड़ इलेक्ट्रिक पोल बिल्डिंग है तो उसके परपेंडिकुलर ऑफसेट के पॉइंट पता करेंगे और चेनेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हम लोग गिनेंगे तो हर एक स्टेशन को लोकेट करने के लिए मुझे चेनेज और ऑफसेट ये लगता है या अदरवाइज आई विल रिक्वायर डिस्टेंस एंड एंगल अब ऐसे कई सारे यदि पॉइंट्स होंगे तो हमको उतने बार अलग अलग चेन सर्वे लाइन अलग अलग एंगल से लगानी पड़ेगी और वहाँ से हर एक ऑपसेट लेके वो लाइन के ऊपर आपको लोकेट करना पड़ेगा यदि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बाहर भी हम लोग ट्रैवर्स घुमा के परपेंडिकुलर ऑप्सेट लेके बिल्डिंग के कॉर्नर को लोकेट कर सकते हैं तो हमको कई सारे नंबर ऑफ ऑपरेशन चेनेज और ऑपसेट गिनने के लिए करने होते हैं वेन वी आर यूजिंग द आवर ट्रेडिशनल सर्विंग इंस्ट्रूमेंट लाइक चेन टेप और पेग और क्रॉस्ट लेकिन यहाँ पे टोटल स्टेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टोटल स्टेशन में जहाँ पे आपने रिफ्लेक्टर रखा वो पॉइंट को यदि आपको लोकेट करना है और यदि आप टोटल स्टेशन को पहले कॉन्फिगर कर लेते हो तो आपके जियो रेफरेंसिंग के रेफरेंस के हिसाब से हमारे अर्थ का हमने लैटिट्यूड और डिपार्चर और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने बराबर आइडेंटिफाई किया है तो आपने जहां पे टोटल स्टेशन रखा उसको रेफरेंस मानते हुए आपका जो स्टेशन है जहां पर रिफ्लेक्टर रखा है उसका भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप पता कर सकते हो सो दैट इज द एडवांटेज दैट द मोस्ट ऑफ द टोटो स्टेशन आर नाउ जी पी एस एनेबल्ड तो सारे टोटल स्टेशन हमारे जी पी एस एनेबल्ड होते हैं इसके वजह से वो हर एक पॉइंट का किसी भी पॉइंट का जिसका भी ऑब्जर्वेशन लेंगे तो बाई डिफॉल्ट उसका नॉर्थिंग कॉर्डिनेट और साउथिंग ईस्टिंग कोआर्डिनेट नॉर्थिंग और ईस्टिंग कॉर्डिनेट यानी लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड इसके अलावा उसका अल्टीट्यूड यानी हाइट अबो मीन सी लेवल तो कोई भी स्टेशन है हमारा अर्थ के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर तो उसको एक अर्थ के हिसाब से उसका एक लैटिट्यूड है और उसका एक लॉन्गिट्यूड है तो वो लोकेशन कहाँ है उसकी हम लोग पता कर सकते हैं उसके अलावा आपको एलिवेशन यानी अर्थ सरफेस से वो नीचे है या ऊपर है मीन सी लेवल के ऊपर नीचे कितना है सो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ये तीनों कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट के ये हम लोग टोटल स्टेशन से किसी भी पॉइंट के लोकेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट यानी आपने स्टेशन का रीडिंग ले लिया तो उसका जो लोकेशन है वो रिकॉर्ड हो गया डाटाबेस के अंदर कंप्यूटर के माइक्रोस के मेमोरी के अंदर सो दैट इज द एडेड एडवांटेज तो हमको यहाँ पर जैसा हमने गेस्ट ट्रैवल्स टेबल में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकाले कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकाले तो ऐसा यहाँ पे हमको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन वो पॉइंट पे ले, ले लेना है उसके हिसाब से वो पॉइंट के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड तीनों भी कोऑर्डिनेट ये हमको यहाँ पर मिल जाएंगे सो इन दैट वे द मोस्ट ऑफ द वर्क वी कैन कैरीड आउट बाई यूजिंग टोटल स्टेशन सो दैट इज द एडेड एडवांटेजेस ऑफ द टोटल स्टेशन नाउ हियर द डाटा कलेक्टेड एंड द प्रोसेस मे बी डाउनलोडेड टू द कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग दैट इज द एडेड एडवांटेज यानी हमारा जैसा स्मार्टफोन को हम लोग यूएस बी वायर लगाते हैं सो दैट फायर वायर एक तरफ में मिनी यू एस बी और एक तरफ में बड़ा वाला नॉर्मल रेगुलर यू एस बी तो आप डायरेक्ट यू टोटल स्टेशन को ऑन करके उसका वायर आप लैपटॉप को लगाते हो सो देर इज़ पर्टिकुलर ड्राइवर फॉर द पर्टिकुलर टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट तो वो ड्राइवर का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपने फील्ड में से सर्वे करके लेकर आ गए आप तो टोटल तो स्टेशन का यू वायर कंप्यूटर को लगाओ और वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेस करके वो पूरे डाटा जो है वो आप डाउनलोड कर ले सकते हो सो यू विल गेट द टेक्स्ट फाइल इंडिकेटिंग द डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स और also यू कैन गेट द dwg file so फाइल सो दैट dxf file data exchange format, और DWG file, AutoCAD file format or फाइल डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट और डी फाइल ऑटो फाइल फॉर्मेट तो आपको हर एक स्टेशन का लोकेशन का पॉइंट और उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, उसके प्रॉपर्टीज जो है भी है उसके साथ में वो डाटा डायरेक्टली आपको मिलता है सो इट इज़ वेरी ईजी कि आपको नोट डाउन भी करने की ज़रूरत नहीं है आप हर एक पॉइंट को यदि लोकेट कर ले रहे हो टोटल स्टेशन से और सिस्टमैटिक से उसको ऑपरेशन करके आपने सेव कर लिया है तो उस पर्टिकुलर सर्वे वर्क के लिए एक फाइल आप बना सकते हो फोल्डर की फाइल और वो फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट कंप्यूटर को अटैच करके विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर सॉफ्टवेयर सो दैट इज द एडेड एडवांटेजेस तो डाटा कलेक्शन हमारा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्शन सिस्टम देन द टोटल स्टेशन इज ए कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट वेटिंग अप टू फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव यानी पाँच से साढ़े पाँच किलो का टोटल स्टेशन होता है यानी हमारे वर्नियर से थोड़ा हल्का ही होता है बिकॉज देर आर नो मेटल पार्ट्स मोर मेटल पार्ट्स आर देयर बट देर आर सम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आर देयर तो आसानी से कैरी कर सकते हैं हम लो, थोड़ लोग थोड़ा लाइट थोड़ा वेटेड होता है लेकिन टोटल स्टेशन हमारा थोड़ा सा हल्का होता है देन ए पर्सन कैन ईजीली कैरी आउट टू द फील्ड ये और एक एडवांटेजेस है यहाँ पे टोटल स्टेशन को थोड़ा सा उसका हेवी ट्राईपॉड और टोटल स्टेशन काफ़ी भारी हो जाता है सो so, <coughs> That can be done. Then total station with the different accuracies in the angle measurement and the different range of the measurements are available in the market. तो so, अब ये total station जो है इसके अंदर आती है अलग-अलग range. यानी जो telescope है उसकी range कितनी है? So 100 km, <coughs> 200 km या 5 km, 10 km. How much is the range? So depending upon the lens capacity, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर अलग-अलग distance के range के लिए टेलीस्कोप की कैपेसिटी आती है टोटल सीजन की सो दैट इज वन एंड अनदर इज हम लोग टोटल सीजन से एंगल भी गिनते हैं तो एंगल गिनने के लिए एंगल की एक्यूरेसी हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में गिनते हैं तो जैसा कि हमारा वर्नियर थोडलाइट जो है उसका वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है बीस सेकंड यानी बीस सेकंड के एक्यूरेसी तक आप एंगल गिन सकते हो या बेयरिंग गिन सकते हो लेकिन यहाँ पे टोटल स्टेशन ये दस सेकंड या पाँच सेकंड दो सेकंड एक सेकंड तक इवन एक सेकंड के एक्यूरेसी तक भी टोटल स्टेशन आता है सो दैट इज द मोस्ट एडवांटेज दैट मोर एक्यूरेट एंगल्स वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन और ज्यादा लंबे दूरी तक का ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं तो हमको ज्यादा डिस्टेंस कवर करने में आसानी होती है टोटल स्टेशन का इस्तेमाल करके देन द फिगर शोज द वन सच इंस्ट्रूमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरली द मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर सोकिया

सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिक्वायर दिस टाइप ऑफ ट्राईपॉड सो वी है ट्राईपॉड अब ये ट्राईपॉड जब इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्राईपॉड के टॉप पे भी एक सेंट्रल बबल ट्यूब होती है और वो सेंट्रल बबल ट्यूब को भी हमको पहले ट्राईपॉड को ही लेवल कर लेना है तो ट्राईपॉड को खड़ा करने के बाद में उसका जो टॉप है उसको सेंट्रल बबल ट्यूब देख लो चेक कर लो और वो सेंटर में होनी चाहिए इसके हिसाब से उसके जो पैर है उसको आप एडजस्ट कर लो सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप हियर सो हमारा जो ट्राईपॉड का लेवलिंग पहले हो जाएगा इसके बाद में इसके ऊपर आपको ये वाला जो टोटल स्टेशन है ये माउंट करना है सो वी विल माउंट दिस टोटल स्टेशन ऑन दिस ट्राईपॉड उसके अलावा हमको एक लगेगा रिफ्लेक्टर रॉड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्ट रेंजिंग रॉड के जैसा एक रिफ्लेक्टर रॉड है यहां से ये फोल्डिंग होता है और यहां पे एक रिफ्लेक्टर प्रिज्म लगा है ग्लास का रिफ्लेक्टर प्रिज्म और इसके सेंटर में हमको फोकस करना होता है तो ये जो इसका सेंटर है इसकी सेंटर से तो बॉटम तक की हाइट मेजर्ड होती है यानी हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर कितनी है जनरली इट इज़ 1.5 पॉइंट फाइव और टू मीटर वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो तो ये जो रॉड है ये रॉड के ऊपर भी मार्किंग लिखा होता है ताकि आपने कितना रॉड खोला तो ये रिफ्लेक्टर के सेंटर का ग्राउंड से कितना ऊंचाई रहेगी ये हम लोग अंदाज गिन सकते हैं सो वी कैन नो वी नो दैट व्हाट इज़ द हाइट ऑफ आवर रिफ्लेक्टर सो ये हाइट हमको टोटल स्टेशन में एंटर करनी होती है जब भी हम लोग रिफ्लेक्टर को यूज़ करेंगे तो आप कितने ऊंचाई पे आपने रिफ्लेक्टर रखा था ये हाइट आपको चाहिए सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर वी आर यूजिंग एंड देन ऑन दिस वी आर प्लेसिंग दिस टोटल स्टेशन तो हमको सबसे पहले टेम्प्ररी एडजस्टमेंट करनी होती है तो टोटल स्टेशन को चालू करने के बाद में सबसे पहला काम है कि उसके जो तीनों फूड स्क्रू है इसका इस्तेमाल करके उसका जो सेंट्रल बबल ट्यूब है अब इसको यहाँ पे सेंट्रल बबल ट्यूब आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहां पे ही दिखेगा आपको कि उसका जो बबल है वो सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया करके सो दैट वे वी हैव टू फर्स्ट मेक द बबल ट्यूब एट द सेंटर उसके बाद में जब रीडिंग लेना शुरू कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये यह रिफ्लेक्टर रॉड की हाइट कितनी है तो वो डिफॉल्ट हाइट आपको उसके अंदर एंटर करनी पड़ेगी सो सपोज इट मे बी 1.3 पॉइंट थ्री और टू पॉइंट फोर मीटर व्हाट एवर इट इज तो कितना आपने खोला है उसको वो हाइट भी आपको एंटर करनी पड़ेगी उसके अलावा ये टोटल ट्राईपॉड के ऊपर हम लोग जब टोटल स्टेशन रख रहे हैं तो ये जो टोटल स्टेशन समझ लो यहाँ पर ऐसा रख दिया मैंने तो इसका लेंस का जो सेंटर है वो यहाँ पर है तो ये यहाँ से लेके तो ग्राउंड तक की जो ऊंचाई है दिस इज़ कॉल्ड एज हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितनी है ये भी आपको मेजर करनी पड़ेगी उसके लिए ये रिफ्लेक्टर रॉड हम लोग साइड में खड़ा करके रखेंगे और ये टोटल सेशन को यहाँ पर एक मार्किंग होता है वो मार्किंग को देख के कितनी हाइट है ये देख लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट सेंटर करने के बाद में आपको ये स्टैंड की हाइट कितनी है पहले वो आपको इनपुट करना पड़ेगा वो इनपुट करने के बाद में फिर रिफ्लेक्टर की हाइट कितनी है वो भी आपको इनपुट करना पड़ेगा और उसके बाद में जिस लोकेशन पे आपने टोटल स्टेशन रखा होगा उस स्टेशन के कोऑर्डिनेट भी आपको पहले एजूम करने पड़ेंगे तो हम लोग वहां पे टेन थाउजेंड कॉमा फाइव थाउजेंड ऐसा हम लोग एंट्री कर सकते हैं एक इनिशियल कोऑर्डिनेट हमने कुछ भी ले लिया तो उसको रेफरेंस मार के बाकी के कैलकुलेशंस आपके अपने आप से होंगे तो वो कोऑर्डिनेट यानी नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट टेन थाउजेंड और ईस्टिंग कोऑर्डिनेट फाइव थाउजेंड ये भी दोनों आपको उसके अंदर एंटर करने पड़ेंगे ऐसा करने के बाद में फिर आपका टोटल स्टेशन रीडिंग लेने के लिए रेडी हो जाएगा सो इन दैट वे वी हैव टू यूज दिस थ्री इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर कैरिंग आउट द टोटल स्टेशन सर्वे अब इसके और कई सारे कॉम्पोनेंट पार्ट्स है टोटल स्टेशन के सो वन बाय वन वी विल सी सो नंबर वन इज हैंडल उसको एक ऊपर से हैंडल होता है उठाने के लिए यहां पे नंबर टू इज हैंडल सिक्योरिंग स्क्रू यहां पर हैंडल खोलने के लिए भी एक स्क्रू की अरेन्जमेंट रही थी नंबर दो की सो दिस वन दिस इज नंबर वन दिस इज नंबर टू नंबर थ्री होता है डाटा इनपुट और आउटपुट टर्मिनल तो ये डाटा आउटपुट इनपुट टर्मिनल के लिए यहां पे सॉकेट दिया होता है यहां पे सो so, ये रिमूव करने के बाद में यहां से हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं हैंडल को रिमूव करने के बाद नंबर फोर इज इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क तो यहां पर एक लाइसी लाइन रखाई गई है ये लाइन बोले तो मैंने जैसा बताया ना आपको कि स्टैंड के ऊपर टोटल रखने के बाद में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है वो मेजर करना पड़ेगा तो वो लाइन ये लाइन तक का मेजर करना पड़ेगा यानी ये लाइन इंडिकेट करती है कि हमारी जो टेलीस्कोपिक बबल ट्यूब की लाइन ऑफ साइट है ये लाइन ऑफ साइट कितनी ऊंचाई पर है जमीन से सो दैट हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव टू मेजर तो वो चार नंबर की जो आड़ी लाइन है वहां से आपको पता चलेगा देन नंबर फिफ्थ इज बैटरी कवर ये पांच नंबर का यहां पर बैटरी कवर है इसको खोलेंगे तो उसके अंदर जैसा मोबाइल में हम लोग लिथियम आयन बैटरी डालते हैं वैसी बैटरी उसके अंदर होती है एंड वी कैन क्लोज एंड ओपन दैट और बैटरी चेंज कर सकते हैं आप या चार्जिंग भी कर सकते हो देन नंबर इज़ ऑपरेशन पैनल यानी ये नंबर वाला जो है ऑपरेशन पैनल ये वाला यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे आपको मोबाइल के जैसे नेविगेशन के बटन और न्यूमेरिकल बटन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फंक्शन बटन जैसे होते हैं वैसे एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर और एक आ, आ, आगे पीछे नेविगेशन के लिए ऊपर का एरो अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो और एंटर का बटन और एस्केप का बटन जैसे कीबोर्ड में हमारे होता है वैसा एस्केप बटन एंटर बटन उसके बाद में अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट का नेविगेशन का बटन ओके का बटन देन न्यूमेरिकल बटन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो तक देन सेव बटन एंड देन देर आर फंक्शन बटन एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर सो लाइक वे ऐसे बटन हमारे ये जो ऑपरेटिंग पैनल है ये बटन के ऊपर रहेंगे देन नंबर सेवन इज ट्राइवेच क्लैम्प यहां पर ये ये एक क्लैम्प है ये सात नंबर का सो so, इसके वजह से हम लोग इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं सो दैट वी कैन यूज देन नंबर एट इज बेस प्लेट सबसे नीचे की ट्रा एंगर ट्राइवेच बेस प्लेट है यहाँ पे ये बेस प्लेट के ऊपर हमारे तीन फूड स्क्रू लगे होते हैं सो नंबर नाइन इज फूड फुटस्क्रू एक दो तीन स्क्रू उसको रहेंगे एंड देन नंबर टेन इज सर्कुलर लेवल एडजस्टिंग द स्क्रू तो ये ये जो ऊपर का ट्राइवेच है ट्रैंगुलर वाला इसके ऊपर यहाँ पे लेवल एडजस्टिंग स्क्रू लगी हुई वाली है यहाँ पे तो ये जो लेवल है नंबर एलेवन नंबर एलेवन इज सर्कुलर लेवल ये लेवल को एडजस्ट करने के लिए दस नंबर का यहाँ पे स्क्रू होता है सो यू कैन एडजस्ट दिस लेवल इफ देर इज समिफिकल्टी देन नंबर ट्वेल्व इज डिस्प्ले ये जो है हमारा ये हमारा मोबाइल के जैसा स्क्रीन होता है सो दैट मे बी ब्लैक एंड वाइट और कलर स्क्रीन इज देयर सो ये बारह नंबर का हो गया हमारा डिस्प्ले स्क्रीन Then 13 नंबर इज ऑब्जेक्टिव लेंस यानी ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और नंबर फोर्टीन इज ट्यूबुलर स्लॉट नंबर चौदह हमारा यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पे यह है यहाँ पे ट्यूबुलर कॉम्पास लगाने के लिए यहाँ पर आपको स्लॉट दिया होता है देन नंबर फिफ्टीन इज ऑप्टिकल प्लमेट फोकसिंग रिंग ये जो है ये ऑप्टिकल प्लमेट फोकसिंग रिंग है ये वाली नंबर पंद्रह तो ये रिंग को घुमा के हम लोग फोकसिंग जो है वो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का देन नंबर सिक्सटीन दैट इज ऑप्टिकल प्लमेट रिटायल कवर ये वाला नंबर सोलह उसके ऊपर का एक कवर होता है कवर होता है जिसके ऊपर ग्रेजुएशन होते हैं जो सो आसानी से ऑपरेट होता है वो देन नंबर नंबर इज ऑप्टिकल प्लमेट आई पीस सो ये number 17 जो है यहाँ पे आई पीस भी होता है इसके अंदर तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ पे वो देखने के लिए थोड़ा आई पीस में से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं देन नंबर एटीन इज ओरिजेंटल क्लैम्प ये वाला ये ओरिजेंटल क्लैम्प है हमारा यानी ओरिजेंटल मूवमेंट आपकी रोकी जाएंगी वो क्लैम्प को आप टाइट कर देंगे तो देन नंबर नाइनटीन इज ओरिजेंटल फाइन मोशन स्क्रू उसके नीचे और एक स्क्रू होता है तो आपको ओरिजेंटली ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घुमाना है तो वो उन्नीस नंबर का स्क्रू ओरिजेंटल <coughs> फाइन ट्यूनिंग मोशन स्क्रू बोलते उसको तो वो कर सकते हैं यानी आपने रिफ्लेक्टर को फोकस किया और ये एटीन नंबर का स्क्रू लॉक कर दिया तो इंस्ट्रूमेंट जगह पे रहेगा लेकिन वो एग्जैक्ट मार्किंग पे आया नहीं तो आपको उन्नीस नंबर का स्लो मोशन स्क्रू घुमाएंगे तो धीरे धीरे ऐसा घूमेगा टेलीस्कोप ओरिजेंटल लेवल में और एग्जैक्ट वो सेंटर में ला सकते हैं आप प्रिजोमेटिक uh, रिफ्लेक्टर uh, के देन नंबर नंबर ट्वेंटी इज डाटा इनपुट आउटपुट कनेक्टर यहां पे हम लोग कनेक्शन करने के लिए स्लॉट होता है जहां से हम लोग यूएसबी वायर लगा सकते और कनेक्ट कर सकते नंबर ट्वेंटी वन दैट इज एक्सटर्नल पावर सोर्स आपको बाहर से सप्लाई यदि लगाना है तो आप सप्लाई भी लगा सकते एलिमीटर आता है अलग से सो यू कैन अप्लाई अप्लाई दैट एलिमीटर टू दैट देन नंबर ट्वेंटी टू इज प्लेट लेवल अब यहाँ पे ये बाविस नंबर की यहां पर एक लेवल होती है प्लेट लेवल तो ये जो वाई फ्रेम है इसके बीच में एक लेवल होती है तो इंस्ट्रूमेंट का जब हम लोग लेवलिंग करते हैं टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट करते तो ये वाली लेवल हमको चेक करना है ताकि वो सेंटर में आ जाए पहले बराबर सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड तो ये लॉन्गट्यूट बबल ट्यूब या प्लेट बबल ट्यूब के जगह यहां पर हमको सेंट्रल बबल ट्यूब है इसको हमको लेवल करना पड़ता है वाइल डूइंग द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द टोटल स्टेशन देन नंबर तेईस दैट इज द प्लेट लेवल एडजस्टिंग स्क्रू ये लेवल को भी एडजस्ट करने के लिए स्क्रू होता है दैट इज फॉर परमानेंट एडजस्टमेंट देन नंबर ट्वेंटी फोर इज वर्टिकल क्लैम्प ये वाला स्क्रू है वर्टिकल क्लैम्प यानी आपको ये टेलीस्कोप घुमाने के लिए यदि रोटेशन उसका रोकना है तो उससे आप टाइट कर सकते हो सो वर्टिकली प्लेन में आपका टेलीस्कोप नहीं घूमेगा देन ट्वेंटी फाइव इज वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू अब आपने ऐसा टेलीस्कोप को ऐसा रख लिया लेकिन अब उसको थोड़ा सा नीचे करना है आप हाथ से करेंगे तो एकदम नीचे हो जाएगा एकदम ऊपर हो जाएगा तो वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू से आप उसको धीरे या धीरे ऊपर नीचे ले जा सकते हैं तो हमको सबसे पहले जो भी रिफ्लेक्टर है उसके ऊपर फोकस करो फिर होरजेंटल क्लैम स्क्रू टाइट कर दो और फिर स्लो मोशन से उसको बराबर होर्जेंटल लेवल के अंदर वो रिफ्लेक्टर के ऊपर ला लो फिर वर्टिकल मूवमेंट से आप टेलीस्कोप को बराबर रिफ्लेक्टर के ऊपर लेकर आओ और वर्टिकल स्क्रू को लॉक कर दो और फिर उसका स्लो मोशन स्क्रू इस्तेमाल करके उसको ऊपर नीचे करो ताकि एग्जैक्ट रिफ्लेक्टर के सेंटर में आपका फोकस हो जाएगा बराबर तो अंदर की क्रॉस एयर और रिफ्लेक्टर की क्रॉस एयर दोनों भी एक साथ में मैच हो जाएंगी तो आपको होरिजेंटल स्लो मोशन स्क्रू और वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू यूज करने पड़ते हैं टू तो फाइन ट्यून द क्रॉस एयर एंड मैच द ऑब्जेक्ट विद द रिफ्लेक्टर क्रॉस एयर देन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज द टेलीस्कोपिक आईपीस ये जो है ये आईपीस है जहां से हमको ऑब्जेक्ट को देखना है देन नंबर ट्वेंटी सेवन इज द टेलीस्कोपिक फोकसिंग रिंग इसको ये वाली रिंग लगी वाली ये रिंग हमारे को पैरालेक्स रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रॉस एयर क्लियर दिखनी चाहिए उसके लिए ये छब्बीस नंबर की रिंग जो है अपने को घुमानी पड़ेगी एंड नंबर सॉरी ट्वेंटी सेवन नंबर ट्वेंटी एट नंबर इज द पिप स्क्रू ये 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 जो ट्वेंटी एट नंबर है यहाँ पे एक ऐसी नली लगी वाली दिस इज ट्यूब स्मॉल ट्यूब और उसके अंदर एक ट्राइंगर एक व्यू होता है तो वो ट्यूब में से हमको पहले तो अब ये टोटल स्टेशन से रिफ्लेक्टर को देखना है तो पहले वो छोटी जो पीप ट्यूब है उसमें से देख लो कि आपको रिफ्लेक्टर दिखता क्या यानी ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी और वहाँ से दिख गया इसका मतलब फिर आई पीस में से यदि देखेंगे आप तो आई पीस में से आपको जल्दी से दिखेगा रिफ्लेक्टर और फिर आप ओरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रू और उसके स्लो मोशन स्क्रू इनको ऑपरेट करके रिफ्लेक्टर के ऊपर तुरंत मैच कर सकते हो तो ये हमारा हो जाएगा और ट्वेंटी नाइन नंबर जो है ये इंस्ट्रूमेंट सेंटर मार्क ये इंस्ट्रूमेंट का सेंटर कहां पे मार्किंग पे होता है उसका तो इस प्रकार से ये सारे कंपोनेंट हमको मालूम चाहिए वाइल डूइंग ऑपरेटिंग द टोटल स्टेशन लाइट के जैसा इस्तेमाल करना है एंड दैट वे वी कैन यूज द टोटल स्टेशन फॉर वेरियस ऑपरेशन सो दीज आर द कॉम्पोन पार्ट ऑफ द टोटल स्टेशन नाउ ये ऑपरेटिंग इसका कैसे करना है टोटल सीजन का ये हम लोग अभी यहां पर देखने वाले हैं सो हियर द इंस्ट्रूमेंट इज माउंटेड ऑन द ट्राईपॉड एंड द लेवल बाय द ऑपरेटिंग लेवलिंग स्क्रू जैसा कि मैंने आपको पहले बताया टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट के लिए पहले तो ट्राईपॉड के ऊपर का जो सेंट्रल बबल ट्यूब है उसको सेंटर में लाओ तो ट्राईपॉड एडजस्ट हो जाएगा लेवल हो जाएगा उसके ऊपर फिर आपको इंस्ट्रूमेंट को रखना है तो फिर इंस्ट्रूमेंट का जो प्लेट सेंट्रल बबल ट्यूब है उसको लेवल करना पड़ेगा विद so इन instrument स्मॉल रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज to ऑफ एडजस्टिंग टू द लेवल vertical एंड देन वर्टिकल एंड are रेफरेंस using द onboard की तो मैंने बताया कि आपको पहले तो टेम्परे एडजस्टमेंट कर लिया आपने तो सेंट्रल बबल ट्यूब सेंटर में आ गया फिर हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर इनपुट कर दिया हमने उसके अंदर फिर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी इनपुट कर दिया उसके अंदर तो फिर आपके आपको वर्टिकल और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे तो हमको यहां पर क्या रहेगा नॉर्थिंग नॉर्थिंग को ले लेंगे हम लोग टेन थाउजेंड और ईस्टिंग ईस्टिंग को लेंगे समझ लो फाइव थाउजेंड और हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो आपको गिननी पड़ेगी सपोज इट में भी वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव मीटर तो ये तीन चीजें आपको पहले रेफरेंस इंडेक्स के लिए कीबोर्ड पे एंटर करनी पड़ेगी जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसका लोकेशन देने के लिए then it is possible to set the required unit of the distance for the distance temperature and pressure to so, aapko kaun si system leni hai unit system so si system le rahe hum log so si system hum log set kar sakte uske andar then surveyor can select the measurement mode like fine coarse or single or repeated तो हम लोग यहाँ पे कितना एक्यूरेसी चाहिए आपको ऑब्जर्वेशन की और कितना बड़े एरिया का सर्वे करना है कितना फास्ट या स्लो करना है इसके लिए जो भी आपको डिसीजन लेने हैं उसके लिए अलग अलग मोड दिए रहेंगे सभी इंस्ट्रूमेंट में नहीं रहेंगे अभी तो सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मोर एक्यूरेसी वाला फाइन ट्यूनिंग वाला ही मोड रहता है सो दैट वी कैन यूज एंड देन वेन द टारगेट इज साइटेड यानी हम लोग जब उससे ऑब्जेक्टिव लेंस में से रिफ्लेक्टर को देखेंगे सो होरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स एज वेल एज स्लोपिंग डिस्टेंस आर मेजर्ड तो ये बाय डिफॉल्ट किसी भी पॉइंट को आपने रिफ्लेक्टर करने के बाद में फोकस किया तो आपको एक उसके अंदर मेजर का बटन होता है वो मेजर का बटन आपको दबाना है जैसे ही मेजर का बटन दबाएंगे तो एक लेजर लाइट वो रिफ्लेक्टर के पास जाएगा और वहां से लौट के वापस आएगा और वो स्टेशन का डिस्टेंस और यदि वो स्लोपिंग है तो उसका वर्टिकल एंगल और नॉर्थ डायरेक्शन के साथ में उसका बेयरिंग ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेगा और फिर उसके ऊपर से कैलकुलेशन करके ये जो आपका रेफरेंस स्टेशन था इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जिसके कोऑर्डिनेट आपने टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड और वन पॉइंट फाइव डाले थे इसके हिसाब से वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको भी वो नोट कर लेता है सो दैट डाटा इज ऑटोमेटिकली सेव्ड व्हेन वी प्रेस द मेजर बटन ऑन द पैनल ऑफ द टोटल स्टेशन एंड देन हियर बाय प्रोसेसिंग द अप्रोप्रिएट कीज दे आर रिकॉर्डेड पॉइंट नंबर तो आपको पहले जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्वेशन ले रहे उसको भी आपको एक नंबर देना पड़ेगा पहले जैसा कि पॉइंट पी तो पोल है तो पी प्री है तो टी बिल्डिंग है तो स्ट्रक्चर वन एस टी वन तो ऐसे अलग अलग नॉमिन क्लेजर आप पॉइंट को दे सकते हो तो जो आप पॉइंट का नाम दे रहे हैं वो भी पॉइंट का नाम आपको जब डाटा डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर वो दिखेगा बराबर सो सिस्टमेटिकली वी हैव टू इनपुट द सम पैरामीटर एंड अकॉर्डिंगली डिस्टेंस लेंथ बेयरिंग हाइट एलिवेशन नॉर्थिंग ईस्टिंग एंगल वर्टिकल एंगल होरिजेंटल एंगल एंड बेयरिंग ये सारा डाटा अपने आप से टोटल सेशन रिकॉर्ड कर लेता है पर्टिकुलर पॉइंट के ऑब्जर्वेशन के लिए सो इन दैट वे वंस वी हैव डन द सेटिंग आप नंबर ऑफ अलग अलग जगह के पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए एक ही जगह से एट ए टाइम बेयरिंग भी गिन रहे हो और लेंथ भी गिन रहे हो और वर्टिकल होज़ेन्टल एंगल भी गिन रहे हो और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिन रहे हो सो देअर फॉर द टोटल डाटा रिक्वायर फॉर लोकेटिंग एनी पॉइंट इन द फील्ड इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट

हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द टारगेट कैन बी कीड आफ्टर मेजरिंग दैम इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि यहां पर हमको हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी जो हॉर्जल मार्क लगा रहा था टोल स्टेशन के ऊपर उसकी हाइट कितनी है टोल स्टेशन की स्टैंड पे लगाने के बाद में वो भी आपको इनपुट करनी पड़ेगी और जो रिफ्लेक्टर का रॉड है उसकी भी हाइट कितनी है वो भी आपको इनपुट करनी पड़ेगी सो दैट थिंग इज रिक्वायर सो यू हर टू फ्रॉम दैट बटन पैनल यू हर टू इनपुट दैट देन द प्रोसेसर कंप्यूट द वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट्स एंड द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन जब आप मेजर बटन दबाते हो तो वो सारा ऑब्जर्वेशन होने के बाद में उसके बारे में कैल्कुलेशन करके आपको स्क्रीन पर दिखता है कि ये कौन सा पॉइंट है सो पॉइंट पी वन फिर उसका लेंथ फिर उसका ओरिजनल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस हाइट एलिवेशन बेयरिंग नॉर्थिंग साउथिंग अल्टीट्यूड इस प्रकार से सारे ऑब्जर्वेशन अपने आप से स्क्रीन पे आपको दिखेंगे देन <coughs> दिस इन्फॉमेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक तो अपने आप से यदि आपने सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट शुरू किया है वहाँ पर तो वो हर एक डाटा वो पॉइंट के साथ में आपका वो इलेक्ट्रॉनिकली मेमोरी चिप के अंदर सेव होते रहेगा एट द एंड ऑफ द डे और वेदर इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक इज़ फुल द इंफॉर्मेशन स्टोर कैन बी डाउनलोडेड टू द कंप्यूटर जैसा मैंने इसके पहले बताया कि यूएस बी वायर लगा के सॉफ्टवेयर के जरिए जो भी सर्वे आपने किया उसका डाटा या उसकी फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो

उस पर से ड्राइंग जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जैसा कि आपने प्लेन टेबल का ट्रैवर्सिंग किया तो प्लेन टेबल का ट्रैवर्स और उसके अलग अलग सारे पॉइंट्स वो लोकेट करने के लिए आप वो ऑपरेशन यूज़ कर लो वो सॉफ्टवेयर में से तो जो डोटल स्टेशन से डाटा डाउनलोड किया उसको आपको वो सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट करना पड़ेगा और वहाँ पे स्पेसिफिक कमांड को प्रोसेस करेंगे तो डाटा जनरेट हो जाएगा इसी प्रकार से यदि रोड का हम लोग कंटिन्यूस सर्वे करते हैं टोटल स्टेशन से तो आपको सारे क्रॉस uh, सेक्शन और प्रोफाइल के लेवलिंग के जो आर है वो भी आर कैलकुलेट हो जाएंगे और वो आर कैलकुलेट होने के बाद में उसका डाटा डाउनलोड करेंगे तो वो डाटा सॉफ्टवेयर में इनपुट करने के बाद में एल सेक्शन यानी लॉन्गिट्यूटल सेक्शन ऑफ द रोड और ग्राउंड एंड क्रॉस सेक्शन ये दोनों भी हम लोग ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते तो ये एक और कर सकते इसके अलावा यदि हमने खूब सारे अलग अलग स्टेशन के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन ले लिए और वो डाटा यदि हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया का काउंटर मैप भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो वो सारा काम सॉफ्टवेयर करता है बट उसके लिए जो डाटा लगता है दैट डाटा वी कैन कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द टोटल स्टेशन एंड देन वी कैन जनरेट द रिक्वायर ड्राॅइंग फ्रॉम दैट डाटा यूजिंग अदर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर सो ई सर्विंग सर्वो कैड टोटल स्टेशन ऑटो कैड मैप और देन आर जी आई एस सो क्यू जी आई एस दीज आर द सम ऑफ द सॉफ्टवेयर

जो सिविल इंजीनियर का वर्क है सर्वेइंग का टेक्नोलिकल टेक्निकल वर्क जो है ये सारा काम एक ही जगह पे सेंट्रलाइज इंस्ट्रूमेंट टोटल स्टेशन से हो सकता है देर फॉर एवरीबडी मस्ट ट्राई टू यूज द टोटल स्टेशन अब ये जो टोटल स्टेशन है इसके यदि हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस है सो दैट वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन सो फर्स्ट एडवांटेज सो हियर द फील्ड वर्क इज कैरिड आउट वेरी फास्ट ऑफकोर्स टोटल सेजन को थियोड लाइट को या बाकी इंस्ट्रूमेंट को, को जितना टाइम लगता है उससे कम समय में ज़्यादा पॉइंट का डाटा हम लोग टोटल सेजन से कलेक्ट कर सकते हैं सो वेरी फास्ट सर्वे हो जाता है हमारा टाइम बचता है देन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज वेरी हाई ये सबसे दूसरा एडवांटेज है हमारा यहाँ पे हमको ज़्यादा पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर के लिए ज़्यादा केयर हमको नहीं लेनी पड़ती है सो बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट इट सेल्फ इज मोर एक्यूरेट एंड इट डज नॉट अलाउ हैविंग द मोर एरर्स तो एक्यूरेसी मेंटेन होती है हमारी ये सबसे बड़ा हमने ऐसा कुछ हो रहा या फिर वो कॉलिंग करते समय थर्टी को तेरह बोल दिया या 30 बोल दिया, तीस बोल दिया सो दिस टाइप ऑफ एयर में रिकॉर्डिंग के टाइम पे तीन जैसा आठ दिख रहा है हमारा फिल्म बुक पे लिखते समय

तो स्टेशन फिर उसका एंगल फिर उसके करेक्शन फिर करेक्टेड एंगल फिर उसके लेंथ फिर उसका बेरिंग फिर उसका रेड्यूस बेयरिंग फिर रेड्यूस बेरिंग के उसका नार्थिंग या साउथिंग या फिर उसका ईस्टिंग या वेस्टिंग फिर उसमें से उसके करेक्शन फिर उसके लिए आपको ट्रांजिट रूल या बॉडविच रूल अप्लाई करो फिर करेक्शन बिटवीन द लैटिट्यूड डिपार्चर लगाओ फिर करेक्टेड कोऑर्डिनेट निकलेंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट के ऊपर से फिर आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो एक स्टेशन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इतना सारा हमको गेल्स टावर्स टेबल या ऐसे कैलकुलेशंस करने होते हैं जो कैलकुलेशन टोटल स्टेशन में ऑटोमेटिकली होते हैं सो यू विल डायरेक्टली गेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड द डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एनी स्टेशन सो हियर द इवन करेक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑटोमेटिकली मेड सो ये भी ज्यादा है एडवांटेज हमारा यदि वेरिएशन होता है टेम्परेचर में ऑब्जर्वेशन के टाइम पे तो उसके भी करेक्शन आप अपने आप से अप्लाई कर सकते हो एंड देन कंप्यूटर्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द मैप ये ज़्यादा एडवांटेज हमारा यानी मैनुअली जो ड्राॅइंग बनाते हैं हम लोग ड्राइंगशीट पर उसके बजाय टोटल सेन का डाटा लैपटॉप में डाउनलोड कर लो और सॉफ्टवेयर का यूज करके मैप जनरेट कर लो सो वर्क इज फास्ट सो दैट इज द मोर एडवांटेज एंड हियर वी कैन प्लॉट द काउंटूर क्रॉस सेक्शन एल सेक्शन एट द पर्टिकुलर इंटरवल एंड इट रिक्वायर वेरी लेस टाइम काउंटूर मैप बनाने के लिए तो हमको कई सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स का इंटरपोलेशन करना होता है तब जाके हमको पॉइंट्स मिलते हैं एक जैसे आर के और फिर उसको ज्वाइन करके हम लोग लाइन बना सकते सो ह्यूज टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए काउंटर मैप ऑफ पर्टिकुलर वन किलोमीटर वन किलोमीटर एरिया और जिसके दस पट कम टाइम में भी टेंथ टाइम लेस हम लोग काउंटर मैप सॉफ्टवेयर से जल्दी जनरेट कर सकते सो दैट इज द एडेड एडवांटेज ऑफ यूजिंग द टोटल स्टेशन फॉर सर्विंग सो दिज आर द मोर इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट वी हैव टू रिमेंबर सो नाउ हियर dear friends in this lesson uh, we have seen all about the total station so when you actually operate the total station then, then you will come to know that how versatile the instrument is and how we can uh, satisfy our various objective of surveying by using total station so here uh, these questions can be asked in the examination about advantage of total station or what is total station or how we can operate the total station or what are the various component of the टोटल स्टेशन सो डियर फ्रेंड इन दिस वे दिस इज दन ऑफ द लास्ट लेक्चर ऑफ अवर सिक्स यूनिट छठवें यूनिट का यह आखिरी का लेक्चर था तो हमने ये पूरे सर्वेइंग के जर्नी में हमने मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट से शुरुआत की सो वी हैर्न द चेन सर्वे एंड टेप सर्वे देन देर करेक्शन ऑल्सो वी हैव सीन फिर सेकेंड यूनिट में हमने देखा कि भाई हम लोग बियरिंग कैसे गिन सकते हैं सो सर्वेयर कंपोस्ट प्रिजोमेटिक कंपोज एंड द मेजरमेंट ऑफ द बेयरिंग देन करेक्शन इन द बेरिंग वो हमने देखा देन थर्ड यूनिट में हमने लेवलिंग देखा कि हाउ वी कैन हैव द आर एल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथर राइज एंड फॉल मेथर वो हमने देखा देन हमने थ्योरेट थ्योलाइट सर्वे के अंदर प्रोडक्शन के जैसा इंस्ट्रूमेंट थ्योरोइट कैसे इस्तेमाल करना उसके भी हमने सारे फंक्शन देखे एंड देन वी आर ऑल्सो सीन द प्लन टेबल सर्वे ऑल्सो तो ये जो पाँच यूनिट में हमने अलग अलग टाइप के प्लेन टेबल सर्वे पर्टिकुलरली प्लेन सर्वे ऑल दीज आर द सर्वे फॉर ए स्मॉलर एरिया एंड दीज आर द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे उसका ही नाम वो सर्वे को दिया है इस प्रकार से हमने चेन सर्वे कंपास सर्वे थ्यूडलाइट सर्वे लेवलिंग सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे ये देखा और सबसे पहले यूनिट में हमने बेसिक्स ऑफ द सर्वे देखा सो विथ ऑल दिस वी कैन यूज ऑल दिस विथ द टोल स्टेशन एंड देयर बाय वी कैन टेक द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फील्ड तो जितने भी सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है हमारे वो सारे कामों के लिए आपको सबसे पहले फील्ड से डाटा कलेक्शन करके उसका एग्जिस्टिंग फीचर का मैप बनाना होता है और बाद में उसके ऊपर फिर हमारा प्रोजेक्ट का प्लानिंग आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल डिजाइनर करते हैं एंड देन अगेन एट द टाइम ऑफ एग्जीबिशन अगेन यू ऑर टू यूज द सर्वे तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले भी आपको सर्वे करना पड़ता है और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए भी सर्वे करना होता है और उसके आखिर में यदि कुछ प्रोजेक्ट के अंदर आपको बिलिंग करना है तो बिलिंग करने के लिए भी क्वांटिटी मैप करने के लिए आपको फिर से सर्वे करना होता है सो देयर फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द सिविल इंजीनियरिंग सो इन ऑल दिस जर्नी ऑफ सिक्स यूनिट वी हैव सीन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सर्विंग सो हियर दिस कोर्स ऑफ सर्विंग इज कंप्लीटेड सो आई कांग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स एंड देन अदर एडवांसमेंट आर देयर इन द सर्विंग सो देयर इज अनदर कोर्स That is advanced surveying. So, there again we are learning some of the advanced surveying methods like tachometric surveying, hydrographic surveying, underground survey, then uh, 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 GIS, then GPS, then astronomical survey, photogrammetric survey, and remote sensing. So, all these are the advanced uh, uh, topics and that we are learning in the another course named as advanced land surveying. So, till then. Thank you and goodbye.